1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीय के इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय संविधान भारतीय के इच्छानुसार होगा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होगा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होगा कब कहा था? 1922 में। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होगा किसने कहा था? गांधी जी ने कब कहा था? 1922 में। कब कहा था? 1922 में। क्या कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा? 1922 में। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की जाए, संविधान सभा का गठन की जाए, किसने मांगा था? तो जब मोतीलाल नेहरू ने मांगा था, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांग किए थे संविधान सभा का गठन। मोतीलाल नेहरू ने कहा था संविधान सभा का गठन किया जाए, मोतीलाल नेहरू ने किया था। ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की जाए। मोतीलाल नेहरू ने कहा था संविधान सभा के लिए संविधान सभा का गठन की जाए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठन की जाए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? M.N. Rai ने के द्वारा। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था संविधान सभा का? M.N. Rai ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसने किया था? M.N. Rai ने, ठीक है। संविधान सभा का जो विचार होता है उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. Rai ने। संविधान सभा का जो विचार होता है उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. Rai के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का जो विचार होता है उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. Rai ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था 1936 में, ठीक है। 1936 में बाह्य हस्तक्षेप के बिना कांग्रेस ने भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था 1936 में। भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था 1936 में कांग्रेस ने किया था। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत भी संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना में बोला गया था, ओके। संविधान सभा के गठन की मांग की सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। संविधान सभा का मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी 1895 में? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक संविधान निर्माण होगा, ठीक है, जो युद्ध के उपरांत भी निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के अंतर्गत। 1938 में किस व्यक्ति ने वैध मताधिकार के आधार पर संविधान के सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में मांग की थी। 1938 में किस व्यक्ति ने वैध मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। भारतीय
संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बेस क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा गठित करने का बेस क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा गठित करने का बेस क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहां पर हुई? अधिवेशन में रखी गई थी, फैजपुर में। फैज अहमद फैज ने कौन सा कविता लिखा है? सुबह आज़ादी। और 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहां पर हुई हुए अधिवेशन में रखी गई तो फैजपुर में रखा गया था, ठीक है। और 1936 में ही कांग्रेस ने किस वर्ष बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय जनता ही द्वारा 1936 में, ठीक है, कि संविधान का निर्माण होगा। भारतीय जनता ही द्वारा 1936 में, 1936 में ही फैजपुर में हुआ था अधिवेशन। 1936 में फैजपुर में हुआ था अधिवेशन, ठीक है, फैजपुर में हुआ था अधिवेशन। और यहीं पर मांग की गई थी संविधान भारत संविधान निर्माण जो भारतीय भारत की जनता के द्वारा बाह्य हस्तक्षेप के बिना होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे कैपुर में। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि होंगे, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि होंगे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन होना था। जो मूल संविधान था उसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि होंगे, 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि होंगे, मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि होंगे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 को चुना के आए थे। 292 में से 208 को चुना के आया था कांग्रेस के सदस्य। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। पुनर्गठन जब हुआ था तो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 200। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी पुनर्गठन जब हुआ था संविधान सभा, ठीक है, 1947 में, तो 299 रह गई थी। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों की संख्या कितनी रह गई थी? 70 रह गई थी। पुनर्गठन में देसी रियासतों की संख्या कितनी रह गई थी? 70 रह गई थी। 93 से 70 पर आ गई थी देसी रियासत की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि चुनाकर आए थे? विभिन्न प्रांतों से कितने प्रतिनिधि चुनाकर के आए थे पुनर्गठन के फलस्वरूप? तो 17 का भी 229 को विभिन्न प्रांतों से चुनकर आए थे प्रतिनिधि। 229 विभिन्न प्रांतों से चुन करके आए थे 229, जिसमें देसी रियासतों की संख्या 70 थी, ठीक है, 70 थी देसी रियासतों की संख्या पुनर्गठन में। अब पुनर्गठन में 299 सदस्य रह गया था जिसमें 70 देसी रियासतें और 229 विभिन्न प्रांतों के लिए चुन करके आए थे सदस्य, ठीक है। 229 विभिन्न प्रांतों से चुन करके आए थे और 70 देसी रियासतों से चुन करके आए थे पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में कितने प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? तो 10 लाख के प्रति व्यक्ति पर था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्वाती परिषद में जो होगा प्रत्येक प्रांत का जो सदस्य होगा उसका संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा? तो 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने किया था दोस्तों, ठीक है, प्रांतों की विधानसभाओं ने किया था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन।
प्रांतों की सभा के सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के नहीं लिया था। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत के थे। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा निर्वाचित हुए थे पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग एक अलग से संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग जो था संविधान सभा एक अलग से चाहता था मुस्लिम लीग जो था संविधान सभा एक अलग से चाहता था इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने क्यों बहिष्कार किया? संविधान सभा का बहिष्कार किया था ठीक है मुस्लिम लीग ने क्योंकि वो संविधान सभा अलग चाहता था मुस्लिम लीग। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहाँ के? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वह क्या था? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे ठीक है। प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुनकर के आए थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहाँ? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्वाती सभा क्या थी? भारतीय संविधान निर्वात्री सभा क्या था? तो 26 का बी है दोस्तों ठीक है। विभिन्न प्रांतों सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुन करके आए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुन करके आए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। 1946 में संविधान सभा चुनाव संपन्न हुए थे। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर स्थापना बोल रहा है ना, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक ठीक है। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? प्रथम 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था। और संविधान सभा की स्थापना भी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक और स्थापना दोनों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बैठक और स्थापना दोनों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को चुनाए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 11 दिसंबर 1946 को चुनाए ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा चुना था अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को ठीक है। बेनेगल राव के चुना गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन था? बी एन राव। संविधान सभा से चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने चुना था। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच एच बेग जो था कवि कारक था दोस्तों ठीक है। के एम मुंशी था संविधान सभा के सदस्य। एन गोपालास्वामी आयंगर थे। टी टी कृष्णमाचारी थे ये संविधान सभा के सदस्य थे। के एम मुंशी थे। एन गोपालास्वामी आयंगर थे। टी टी कृष्णमाचारी थे
ये संविधान सभा के सदस्य थे। किसके संविधान सभा? संविधान सभा के सदस्य थे। अयंगर थे, अयंगर थे, कृष्णमाचारी थे, मुंशी थे। अयंगर थे, कृष्णमाचारी थे, मुंशी थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 15। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो 15 नियुक्त की गई थी। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें 13 दिया हुआ है। ऑप्शन 13 है तो 13 ही मारिए, ठीक है। ऐसे टोटल 15 नियुक्त हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी। 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो 29 अगस्त 1947 चुनाव बना था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति में 7 थे, 7 सदस्य था। कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए, इसमें सरदार पटेल नहीं था, बाकी कृष्णमाचारी अय्यर थे, डीपी खेतान थे, के एम मुंशी थे। अलादी कृष्णमाचारी अय्यर था, सरदार पटेल नहीं था। ओके, खेतान के जगह पर कौन आया था दोस्तों? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए, इनके देहांत पर कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था, लेकिन के मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्लाह खान थे, मोहम्मद सदाउल्लाह था। गोपाल स्वामी अयंगर थे प्रारूप समिति के सदस्य। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के सामने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के सामने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। समायोजना के आधार पर, सहमति या समायोजना के आधार पर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946 को। भारत को एक संविधान देना है, 22 जनवरी 1946 को प्रस्ताव पारित किया गया, तो भारत को एक संविधान देना है। इसका प्रस्ताव पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को भारत को एक संविधान देना है। कब ये प्रस्ताव पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देना है, 22 जनवरी 1947 को। 47 को दोस्तों, 47 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देना। यह प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? जुलाई 1947 में।
जुलाई 1947 में संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। झंडे की अभिकल्पना, झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? जुलाई 1947 में। झंडे की अभिकल्पना जुलाई 1947 में की गई थी। झंडे की अभिकल्पना जुलाई 1947 में की गई थी। झंडे की अभिकल्पना जुलाई 1947 में की गई थी। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 53 का सी है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे का डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को। अब 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था दोस्तों? भारत को संविधान देना है। ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव हुआ, पास किया गया था कि भारत को एक संविधान देना। अब 22 जुलाई को क्या हुआ था? झंडे का डिजाइन को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को झंडे का डिजाइन को स्वीकार किया गया था। अब 22 जनवरी को भारत को एक संविधान देना, यह प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? संविधान सभा संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था। संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप से कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 ने हस्ताक्षर किए थे। उपस्थित सदस्य कितने थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के जो उपस्थित सदस्य थे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान के निर्माण होने में। किस दिन से संविधान सभा को अंतरकालिक संसद द्वारा संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव हुआ, संसद के रूप में आविर्भाव हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा था उसका चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में पारित किया था। कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार करना है, ठीक है। किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार रचना हेतु विचार था, ठीक है। संविधान सभा का निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में निम्नलिखित कथनों में से सही करिए। 1946 में प्रांतीय विधानसभा द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। दूसरा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान, हाँ चुना गया था। तो ए या डी सही है क्या? देखिए 62 का आपका ए है सही है, ठीक है। 62 का ए है। वर्ष 1946 प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी और अंगीकृत किया गया था
29 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन कथनों का सही विचार करना, प्रांतीय सभाओं का चुनाव 1946 में हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था, तो ए सही है। कौन सा कथन संविधान सभा में सही नहीं है, सही नहीं है, 63 का ए है दोस्तों, जो विषय संविधान सभा के विषय में नहीं है, तो ए का 2 नहीं है, ठीक है। बाकी वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और बहुदलीय निकाय थी, हाँ थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की भारतीय संविधान बहुदलीय निकाय थी, हानि थी। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, तो 66 का सी है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति किया गया था संविधान सभा को, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया था, 26 नवंबर 1949 को। मसविदा समिति तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के लिए मसविदा समिति तैयार करने का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मसविदा समिति के अध्यक्ष।